एलिस पेरी के छक्के के सामने कम पड़ गई टाटा पंच की मजबूती। जी हाँ दोस्तों, यूपी वॉरियर और आरसीबी के बीच खेले गए मुकाबले में आरसीबी के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसमें समर्थ मंधाना ने 80 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनके अलावा एलिस पेरी ने भी 58 रन की एक अहम पारी खेली। इसी दौरान एलिस पेरी ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीप्ति शर्मा के एक बेहतरीन छक्का लगाया और यह गेंद सीधी स्पॉन्सर कार टाटा पंच पर जाकर लगी, जिसके कारण टाटा पंच के पीछे की खिड़की का कांच टूट गया और ये दृश्य देख आरसीबी के सभी खिलाड़ियों के साथ एलिस पेरी भी आश्चर्यचकित रह गई। वहीं इस छक्के को देखकर यूपी वॉरियर के कप्तान एलिस हिली का रिएक्शन भी देखे जाने वाला था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार आरसीबी इस कप को अपने नाम कर पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।